नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त की तमाम अपडेट के साथ मैं हूं आशा। 11 स्पेशल में सबसे पहले हम बात करते हैं बिजली के तोहफे की। 17 अगस्त यानी कल झारखंड को बिजली क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और इस दिन 6 नए संचरण लाइन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को बिजली की समस्या से बहुत हद तक राहत मिल सकेगी। एक रिपोर्ट। झारखंड में बिजली आपूर्ति को लेकर आम लोगों की शिकायतें रही है। अब शायद यह शिकायत कम हो, खास तौर पर पलामू प्रमंडल के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बिजली वितरण निगम की 6 परियोजनाएं बनकर तैयार है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के बावजूद बिजली विभाग के लोगों ने यह काम किया है। का जो बिजली का काम तो 24 आवर्स का काम होता है, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई लाइक टू थैंक देम। उन्होंने कोविड के दौरान में भी जो आपने पूरा लगन से अपना कार्य किया गया है, इमरजेंसी सर्विसेज भी किया गया है और अभी हम लोग को भी ये 6 ग्रिड सबस्टेशन को भी बीच में काम होते रहे और उद्घाटन के लिए भी तैयार है और अभी निकट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये 6 ग्रिड सबस्टेशन भी उद्घाटन किया जाएगा। पलामू गढ़वा क्षेत्र में बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए संचरण लाइन का उद्घाटन 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 17 अगस्त को इसका उद्घाटन करेंगे। बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक के शर्मा ने कहा कि इससे एक बड़ी आबादी को क्वालिटी बिजली मिल पाएगी। 6 संचरण योजनाओं को जिनकी लागत लगभग 700 से 1000 करोड़ रुपए के मध्य है, रियान्वित कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है और राज्य के हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति 24x7 गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए समर्पित कर रहा है। लॉकडाउन के दरमियान झारखंड बिजली वितरण निगम ने मेहनत कर इन 6 परियोजनाओं को पूरा किया है। अब इसके चालू होने से एक बड़ी समस्या समाप्त होने की उम्मीद है। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत। झारखंड को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कल सौगात मिलने जा रही है। 6 पावर ग्रिड स्टेशन की सौगात मिलेगी, जिससे रोशन होगा झारखंड। 17 अगस्त को प्रोजेक्ट भवन से ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे सीएम। 220 और 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन गढ़वा, जिसका उद्घाटन होगा। वही जसीडी ग्रिड सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा गिरिडीह के भी सब स्टेशन का उद्घाटन, दुमका संचरण लाइन का उद्घाटन, गोड्डा दुमका संचरण लाइन और सरिया के सब स्टेशन का उद्घाटन। इससे इन तमाम इलाकों में बिजली की जो व्यवस्था थी, लोग परेशान होते थे, बहुत हद तक उससे राहत मिलेगी और एक बार फिर से ये पूरा इलाका जगमग होगा, रोशन होगा। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट के लिए चलते हैं। अजय, कल सौगात मिलने वाली है, 6 ऐसे पावर ग्रिड को सीएम कल उद्घाटन करेंगे, किन किन इलाकों को इससे फायदा होगा, कितना फायदा होगा? देखिए आशा, ये पूरा का पूरा जो कल 6 ग्रिड बनकर तैयार हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे, आप यूं समझ लीजिए कि कई बार होता यह था कि सूबे के पास झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के पास भरपूर बिजली हुआ करती थी, बावजूद इसके जिलों में बिजली इसलिए नहीं पहुंच पाती थी कि वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए जो संचरण लाइन यानी कि बिजली का जो हाईवे होता है उसका अभाव था। देखिए कल का दिन आप कह सकती हैं कि गढ़वा के लिए सबसे ज़्यादा अहम दिन होगा, इसलिए होगा अहम दिन क्योंकि गढ़वा में जो अब तक बिजली की आपूर्ति होती थी उसका मालिक उत्तर प्रदेश की सरकार हुआ करती थी, यानी कि यूपी की सरकार गढ़वा को बिजली आपूर्ति देती थी और उसके बाद जो सेंट्रल पूल से झारखंड के हिस्सेदारी में जो बिजली आती थी उससे प्लस माइनस करना पड़ता था। यानी कि आप ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार यदि गढ़वा को 80 मेगावाट बिजली देती थी तो सेंट्रल पूल से जो झारखंड के हिस्से में बिजली आती थी उससे कट करके उतनी बिजली हमें यूपी सरकार को देना होता था। होता ये था कि रांची के पास अन्य जगह के पास बिजली हुआ करती थी लेकिन गढ़वा तक बिजली पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था, संचरण लाइन हमारे पास नहीं था, लिहाजा अब इस पूरी तरह से जो संचरण लाइन
कल बनकर तैयार हुआ हो, जो कल उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो अब रांची से यदि गढ़वा में बिजली की संकट होती है तो सीधे सीधे रांची के ग्रिड से बिजली वहां पहुंचाई जा सकती है। गढ़वा को अब किसी राज्य पर बिजली के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि गढ़वा के लिए सबसे ज़्यादा अहम दिन माना जाएगा। और जो अन्य बिजली की लाइन है 220/132/33 kV ग्रिड सब स्टेशन जस्टी, ये सारे लाइन जो है उसके बाद 220 kV डबल सर्किट गोड्डा दुमका सेंट्रल लाइन, और इन सबका उद्घाटन आपको बता दें आसिया कि 2017 के आसपास ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किलें आई, इतनी ज़्यादा समस्याएं आई, कई बार तो NOC नहीं मिल पा रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लगभग 2 साल तक फाइलें बनी रखी रहीं, NOC का अभाव था। फिर कई प्रकार के प्रयास हुए, उसके बाद जब लाइन बिछाई जाने लगी तो वहाँ के ग्रामीण अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। मुझे याद है कि बिजली संचरण के कई अधिकारियों को सीधे सीधे ग्रामीणों को समझाना पड़ा। उसके बाद एक समस्या यह आई कि जो कंपनियां काम कर रही थी, हैदराबाद की, महाराष्ट्र की, गुजरात की कंपनियां, इन कंपनियों को स्थानीय जो वहाँ के लोकल रंगदार होते हैं उन्होंने लेवी मांगना शुरू कर दिया। तमाम मुश्किलों को दूर करते करते एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अड़चन, उसके बाद से लोकल्स प्रॉब्लम। हालांकि अब सब कुछ बनकर तैयार हो गया है, कल गढ़वा के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाएगा। उसके बाद दुमका, सरिया, गिरडी, भोगाडी, जो गढ़वा का जो लाइन है, भागोडी, ये तमाम इलाके में अब कहीं से किसी जिले में यदि बिजली कटती है तो सीधे किसी भी लाइन के माध्यम से किसी भी जिले को बिजली दी जा सकती है आसिया। ये सबसे अहम बात होगी कल के लिए। तो काफ़ी खुशी का दिन, और जैसा अजय बता रहे हैं कि गढ़वा के लिए जो बहुत इंतज़ार था, गढ़वा की जनता काफ़ी परेशान रही थी अजय, और इस ग्रिड के उद्घाटन होने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी। कल उद्घाटन होगा तो स्थिति कब तक सुधरने की उम्मीद है अजय? कल से ही क्या बिजली की स्थिति में सुधार देखा जाएगा? गढ़वा में 3-3 संचरण लाइन की जो ग्रिड है उसमें 2 को 2-3 दिन पहले चार्ज कर दिया गया है, और कल अंतिम जो संचरण लाइन होगा उसे चार्ज किया जाएगा। देखिए, उद्घाटन का मतलब यह नहीं होता है कि कल से ही सब कुछ ऑनलाइन होगा, बहुत पहले 10 दिन पहले से ही सब कुछ ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि काफ़ी महंगे मशीन लगे होते हैं ग्रिड में आसिया। एक एक मशीन की कीमत करोड़ों में होती है, एक एक पावर सब स्टेशन को आप उसको एडजस्ट करने में यानी कि उसको बिठाने में 30 से 35 दिन का वक्त लगता है एक ग्रिड में। तो ये तमाम चीज़ें पहले से ट्रायल मोड पर हैं। कल औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, ऐसा इसलिए भी कि अचानक से यहाँ बटन दबाए और वहाँ बिजली चालू हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं होती। कम से कम पावर सेक्टर के क्षेत्र में सब कुछ ट्रायल मोड पे चल रहा होता है, एक औपचारिकता है, सुबह को सौगात दी जानी है, लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि 2 लाइन को पहले चार्ज कर दिया गया था, सब कुछ ओके मोड पर है, क्योंकि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, जब आप किसी ग्रिड में जाएंगी तो कितनी बिजली आती है, किस हिसाब से वो फ्लक्चुएट करता है, कितने घंटे तक यदि मशीन चला जाने पर उस पर क्या असर पड़ता है, तमाम चीज़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, लंबा चौड़ा रजिस्टर होता है आसिया ग्रिड के पास। ये तमाम चीज़ें पहले से ट्रायल मोड पर थी, सारे मशीन की क्षमता नापी गई कि सब कुछ ओके मोड में है, लिहाजा कल का दिन तय किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका ऑनलाइन उद्घाटन करके ये तमाम चीज़ों की सौगात राज्य की जनता को सौंप दे। आसिया, शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य की जनता को यह सौगात कल मिलने वाली है, और कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग से परेशान रहते हैं, वहाँ पर बिजली में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगी और वो पूरा इलाका रोशन होगा, जहाँ पर बिजली की आंख मिचौली से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं।
सौगात मिल रही है 6 पावर ग्रिड स्टेशन की सौगात कल मिलेगी झारखंड को, जिससे कई इलाके रोशन होंगे जहां पर लोड शेडिंग की वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। बिजली जाती ज्यादा है, रहती कम है, ऐसे इलाकों में काफी फायदा होगा। कल इसका उद्घाटन होगा और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में बिजली की स्थिति पूरी तरह से इन इलाकों में सुधार ली जाएगी।